गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। धर्मशाला में 1,000 से 12,500 में मिलेंगे मैचों के टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप के मैचों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री आज से शुरू हो जाएगी। क्रिकेट प्रेमी नॉन इंडिया मैचों के टिकट बुक माई शो वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। सबसे सस्ता टिकट 1,000 रुपये का रहेगा, जबकि सबसे महंगा टिकट 12,500 का होगा। ICC की ओर से भारतीय टीम के मैचों के टिकटों के दाम अभी तय नहीं किए गए हैं। धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच का सबसे सस्ता टिकट 1,500 रुपये का रहेगा। ICC ने भारत में हो रहे वनडे क्रिकेट विश्व कप के टिकटों की बिक्री का जिम्मा बुक माई शो कंपनी को दिया है। वंदे भारत समेत 5 प्रमुख ट्रेनें 28 से 30 अगस्त तक रद्द। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दौलतपुर चौक अम्ब अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशन से रेल सफर का लाभ लेने वाले यात्रियों के लिए निराशाजनक खबर है। 28 से 30 अगस्त के बीच जिले के रेलवे स्टेशन से आवागमन करने वाली वंदे भारत सहित 5 ट्रेनें 3 दिन रद्द रहेंगी। वहीं ट्रेनों को कीर्तपुर साहिब रेलवे स्टेशन में ट्रैक सुधारीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य के चलते रद्द रखा जाएगा। हालांकि वंदे भारत 28 और 30 अगस्त 2 दिन ऊना एवं अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन तक नहीं आएगी। ट्रेन दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच इन तिथियों में आवागमन करेगी। वंदे भारत के 29 अगस्त के दिन ऊना आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई 1 सितंबर को। JBT भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद हाईकोर्ट में लंबित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई 1 सितंबर को निर्धारित की गई है। पिछले कल हुई सुनवाई के दौरान BEd डिग्री धारकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के लिए समय की मांग की। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वहीं बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCET की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था जिसके तहत BEd डिग्री धारकों को JBT टेट के लिए योग्य किया था। आपदा से संकट में बागवान हिमाचल के शिमला और कुल्लू में 90,000 पेटी से फंसा। 2 दिन से मनाली चंडीगढ़ हाईवे और वैकल्पिक मार्गों के अवरुद्ध होने और पिछले कल ठियोग हाटकोटी NH बंद होने से बागवानों का 90,000 पेटी सेब फंस गया है। कुल 30,000 पेटी सेब कुल्लू में फंसा हुआ है। कोटखाई के चलनैर और नेहरी पुल छैला यशवंत नगर क्षेत्र में 600 और कुल्लू के बजोरा में 500 छोटी बड़ी गाड़ी फंसी हैं। वहीं कुल्लू ज़िले के बागवानों की दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं। भवारना के आर्यन राठौर के हुनर को सलाम। YouTube से देखकर तैयार किया HRTC बस का मॉडल। यह चित्र हिमाचल पथ परिवहन निगम की अवाहा देवी से दिल्ली जाने वाली बस का नहीं बल्कि जिला कांगड़ा की भवारना उप तहसील के एक छात्र द्वारा तैयार बस का मॉडल है। बस का यह मॉडल न केवल असली बस की तरह दिखता है बल्कि यह बस चलती भी है। कांगड़ा जिला के भवारना के आरट गांव के नरेश राठौर व सपना देवी के बेटे आर्यन राठौर ने 1 साल की मशक्कत के बाद यह मॉडल तैयार किया है। वहीं आर्यन APS ठाकुरद्वारा में जमाई के छात्र हैं। बस में स्क्रीन, गियरबॉक्स, शाफ्ट, स्टेयरिंग, टायर और लाइटें असली बस की तरह काम करती हैं। वहीं चलते चलते ही इसका गियर और एक्सीलेटर भी बखूबी काम करता है। यहाँ तक कि यह बस रिवर्स मोड में भी चलती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ट्रांसमीटर लगाया गया है जो रिमोट से चलता है। वहीं बस की खूबियां देखकर आप यह बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के होनहार बच्चे ही आने वाले समय में चंद्रयान जैसे अभियान में देश का नाम रोशन करते हैं, बशर्ते कि उन्हें सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध हों। हिमाचल में जलजनित रोगों से बचाव के लिए अब पंचायत स्तर पर अभियान। जल जनित रोगों से बचाव के लिए हिमाचल सरकार ने पंचायत स्तर पर अभियान चला दिया है। लोगों को बीमारी से जागरूक करने के लिए घरों से पंपलेट बांटे जा रहे हैं। वहीं इसमें जल जनित से बचने के उपाय सुलझाए गए हैं। दूषित पानी के सेवन करने से जल जनित रोग होने की आशंका रहती है।
अगर समय पर उपचार न किया जाए तो अंतरशोथ पीलिया टाइफाइड होने की आशंका रहती है, यह खतरनाक भी हो सकता है। अब नगर निगम के कर्मचारियों के भी होंगे तबादले, जल्द जारी होगी अधिसूचना। अब नगर निगम के कर्मचारियों के भी तबादले होंगे। पहले हिमाचल प्रदेश में मात्र एक नगर निगम शिमला था, इसलिए कर्मचारियों के तबादले नहीं होते थे। अब हिमाचल में 5 नगर निगम हैं, ऐसे में सरकार ने इन सभी कर्मचारियों का स्टेट कोडर बनाने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार पहले ही इस बारे में अध्यादेश ला चुकी है, वहीं अब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है। हिमाचल में 6,000 से अधिक शिक्षकों की अक्टूबर से शुरू होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 से अधिक पद भरने के लिए अक्टूबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि नया भर्ती आयोग गठित होते ही शिक्षा विभाग भर्तियां शुरू करेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 5,300, उच्च शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। प्रदेश कैबिनेट ने इन पदों को भरने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। इस बार डिपुओं से गायब हुई दालें, उपभोक्ताओं को बाजार से महंगे दामों पर करनी होगी खरीदारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली दालों से इस बार उपभोक्ताओं को वंचित रहना पड़ा है। इस बार डिपुओं से दालें गायब रही हैं। उपभोक्ताओं को दालें न मिलने के चलते बाजार से महंगे दामों पर बाजार से खरीदारी करनी पड़ेगी, इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि दालों की सप्लाई डिपो में सुचारू करने को लेकर उच्च स्तर पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को दालें मिलेंगी। इस बार उपभोक्ताओं को मात्र आटा, चावल, तेल ही मिल पाया है। रेगुलराइजेशन पर फैसला साफ नहीं, अनुबंध कर्मचारी किस डेट से किए जाएंगे रेगुलर, दोबारा जाएगी फाइल। अनुबंध और दिहाड़ीदार कर्मचारियों को रेगुलर करने की तारीख को लेकर राज्य मंत्रिमंडल का फैसला स्पष्ट नहीं है। कैबिनेट में इस बार यह मामला गया था, कैबिनेट से वापस आई फाइल में कोई एक डेट नहीं बताई गई है, इस कारण इसे दोबारा से वापस भेजा जा सकता है, तभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग कर पाएगा। दरअसल कार्मिक विभाग से कैबिनेट में गए एजेंडे में यह लिखा गया था कि राज्य सरकार अनुबंध और डेली वेज कर्मचारियों को साल में एक बार ही रेगुलर करने की ऑप्शन देना चाहती है। यह तारीख 31 मार्च हो या 30 सितंबर हो या फिर कोई नई तारीख हो, यह तीन विकल्प कैबिनेट के लिए सुझाए गए थे, लेकिन वापस आई फाइल में सिर्फ अनुमोदित लिखा गया है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रूहानी वैशमशानी इलम के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान, फोन घुमाए घर बैठे समाधान पाए। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, जादू टोना, किया किराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें 100% पक्का समाधान पाए। स्पेशलिस्ट मुठकर्णी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहने अभी फोन करें। बाबा सरताज खान, मोबाइल नंबर 8800124286।